भाई साहब, ये कौन सी चिड़िया है जिसने गाड़ी में घोंसला बनाया है? अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं जा रही हूँ टेलर के यहाँ, कुछ कपड़े स्टिच करवाने देना था। तो ये दो ड्रेसेस हैं मेरे, स्टिच करवाना है। एक है ब्लैक एंड वाइट और एक है ग्रीन एंड ब्लू। इन दोनों में से मैं सबसे पहले इसको स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि ब्लैक इज़ माय फेवरेट, इसीलिए रीज़न यही और कुछ नहीं है। तो इसका कैटलॉग मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ, यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा है, अंधेरा है ना अलमारी में। तो अभी कबर्ड को बंद करती हूँ। इसको मैं इस तरीके का स्टिच करवाऊंगी, मुझे ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ गले का, तो मुझे ये वाला गला और ये 3/4 स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं इस तरीके का सिलवाऊंगी। इस तरीके के नेक जो है, नेक डिज़ाइंस जो है, मुझे पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए बस बाकी सब यही ठीक लग रहा है। यहाँ पर इसका स्टिकर लगा हुआ है और ये है। चलो मैं आपको जब सिलवाने दूंगी, सिलवा लूंगी तब पहनूंगी, तो आप देख ही लोगे, है ना। पर इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, एक बहुत ही फ्री साइज़ का ढीला ढाला सा बोट नेक वाला शर्ट सिलवाऊंगी। तो इस पे जाएगा ब्लैक या फिर वाइट पैंट या फिर चूड़ीदार शलवार, यही लेने आई थी मैं। चलो मैं अब जाती हूँ टेलर के यहाँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। भाई साहब, ये कौन सी चिड़िया है जिसने गाड़ी में घोंसला बनाया है? आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो इसीलिए हमने हमारे घर के पास में ही टमाटर के पेड़ उगा लिए। करीबन 1 किलो टमाटर हमने निकाले हैं इन पेड़ों से, और फाइनली जो लास्ट के टमाटर थे वो इतने छोटे छोटे से थे, इतने छोटे छोटे से। तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था सबसे छोटा वाला, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और खाना बनाना था मुझे, तो इसीलिए टमाटर तोड़ने के लिए गई थी, सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ। और मॉर्निंग में मैंने बनाया था टमाटर की चटनी, और दोपहर में, आज छुट्टी का दिन था, बच्चों का संडे का दिन था, तो बोला कि मम्मा समोसे खाना है, तो मैंने सोचा कि बाहर से मंगाने से अच्छा है कि मैं घर पे बना के समोसे अपने बच्चों को खिलाऊं। तो फाइनली मैं यहाँ पर समोसा कुकिंग कर रही हूँ। समोसा पट्टी जो आता है ना रेडीमेड वाला, मार्केट से मिलता है ना, तो उसमें मैंने आलू को गलाकर आलू का भुरता जैसा कुछ बना के इनमें भर दिया, और इनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये भी टेस्टी होते हैं, मसाला अच्छे से डाल लो आलू में तो अच्छे से बन जाते हैं। पूरी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकती इस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मेरे मेन वीडियोस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है, इसीलिए इन वीडियोस के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। बस यही रीज़न है, आगे जाके अगर टाइम मिलेगा तो मैं अपने पूरे रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या और कैसे कैसे बनाती हूँ। मुझे भी मन करता है कि अपनी छोटी छोटी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ, तो शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग्स में, मैं धीरे धीरे करके आपके साथ ना अपनी छोटी छोटी रेसिपीज शेयर करूँगी। सो गाइस, रात हो चुकी है और मैं रेडी हुई थी, कहीं पर जा रहे थे, हम सब लोग रेडी हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी अभी कैंसिल हुआ है हमारा जाना, और रात के 8 बज रहे हैं, और जस्ट अभी अभी जस्ट हम निकलने ही वाले थे, अर्जेंट काम की वजह से हमने जाना कैंसिल कर दिया है। 2 से 3 जगह जाना था। अफसोस की बात है कि हम सब लोग रेडी हो चुके थे, जा नहीं पाए। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने नाइट सूट पहन लिया है, और अभी हम जाएंगे ऊपर छत पे बर्गर खाने, ठीक है। मुझे कॉल आ रहा है मेरे बेटे का, तो मैं अपने बेटे को कॉल करती हूँ, उससे बात करती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक। सो गाइज, हम आ चुके हैं छत पे। मैंने कहा था आपको नीचे कि हम लोग बर्गर खाने आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं मिला है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या खा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे नूडल्स। चलो अभी हम इनको खाते हैं, खाना शुरू करते हैं। हम लोग आए थे छत पे, आप देख सकते हो, और ये देखो, खा लेती हूँ, और हम सब यहीं पर बैठे हुए हैं।
मेरे बेटे को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे लोग नूडल्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, मैंने इस टाइम पे मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, अच्छी लग रही है ना। ये देखो, ये पीछे की साइड का है और ये आगे की साइड का है। यहाँ तक मैंने डाला हुआ था। मेहंदी डालने के 2-3 घंटे में मैंने नहा लिया था, मुझे नहाने के लिए जाना था। मेहंदी इतनी रंग अच्छे से नहीं लाई है, तो कोई बात नहीं, हमें कहीं जाना था तो इसीलिए मैंने अपने हाथों को धो लिया था। लेकिन फिर भी अच्छी खासी चढ़ी है। पीछे की साइड वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली, ये देखो, ये वाली भी अच्छी है। तो फिर जाऊंगी नीचे और सो जाऊंगी। हाँ, अब हम जाएंगे नीचे और सो जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। बाय 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 बाय।